देखिए, शिक्षक की भूमिका बराबर है पहले जितनी है। आप वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली कोई क्वेरी स्टूडेंट के माइंड में आ गई, अब उसका जवाब तो वीडियो नहीं दे पाएगा, वो उसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर वो उसका जवाब ढूंढने अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू गया, जैसे आप गूगल सर्च बार पे गया, तो वहां भी उसको वो जवाब नहीं मिल पाएगा जो एक टीचर दे पाएगा। दूसरा, उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना होता है, तो वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती, वो तो फिर एक टीचर के लिए टीचर ही कर सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टेक्नोशाला फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल टीचर कहानी नामक शो। इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से अजय कुमार जी। अजय कुमार जी अभी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर जयपुर में एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अजय जी ने किस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। आप बताएं सर। मैं एकदम ठीक हूं सर। तो सर, बातचीत शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना है। तो सर, आपके लिए पहला सवाल है, आपने सबसे पहले कंप्यूटर को कब देखा था? 2000 सर के लिए अगला सवाल है, कंप्यूटर की आप किस विशेषता के साथ खुद को जोड़ते हैं? एफिशिएंसी। सर, एक अध्यापक के रूप की आपकी जो जर्नी रही है पिछले कई सालों की, उसको अगर एक शब्द में आपको किसी को बताना हो तो वो शब्द क्या होगा? लर्निंग, सर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, अपने विद्यालय के लिए अगर एक शब्द आपको बताना हो तो वो क्या होगा? वर्कशॉप। सर, अभी आपका क्या इमोशन है? आई एम एक्साइटेड नाउ टू ओके आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है सर, आज की बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और एक शिक्षक का सफर रहा है, आपकी एजुकेशन है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से रही है। मैं क्या एक छोटे से गांव से आया हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, और स्कूलिंग पूरी सरकारी स्कूल से ही रही है, और हमारा परिवार एजुकेटेड फैमिली रही है, एक हायर लेवल फैमिली हम कह सकते हैं। और फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद परिवार में पढ़ाई का अच्छा माहौल था ही, फिर मैंने आगे एमएड भी कर लिया, और फिर एमएड करने के बाद फिर मैं टीचिंग जॉब में आ गया था। टीचिंग जॉब में पहले गवर्नमेंट स्कूल यहाँ दूधी आमलोदा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, विराट नगर तहसील में। वहाँ रहा मैं लगभग 1.5 साल, और उसके बाद मैं यहाँ सांगानेर जयपुर में आ गया। और यहाँ 2 साल रहने के बाद फिर मैं समग्र शिक्षा अभियान में सैटेलाइट एजुकेशन का एक प्रोग्राम चलता है आईसीटी के अंदर, उसमें गया, और वहाँ हम एक साथ लगभग 2525 स्कूलों को सैटेलाइट के थ्रू लाइव एजुकेशन देने का काम किया। मैंने वहाँ साइंस पढ़ाई, 3 साल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हमें मिले। हम स्टूडेंट से बात करते थे, रिजल्ट आने के बाद भी बात करते थे, कई बीच में भी बात करते रहते थे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते थे। बच्चे बोलते थे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ टीचर नहीं है, और हम सिर्फ आपकी क्लासों को लाइव टीवी के थ्रू माध्यम से देखते थे। वो सेटेलाइट के थ्रू उनका ट्रांसमिशन होता था, और वहाँ टीवी लगा हुआ था उनके क्लासरूम में, तो वहाँ वो उसको देखते थे, और उसको देख कर ही वो बहुत अच्छे नंबर, 80% से अबव नंबर वो ले आते थे। इस तरह से मुझे लगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी में हमें आगे और आगे बढ़ना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का हमें कितना फायदा हो रहा था कि एक टीचर लगभग 2-2.5 हजार से अधिक स्कूलों के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, और रिजल्ट भी अच्छा रह रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने भी वहाँ अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया, और करना सीखा भी। वहां से मैंने करने के बजाय सीखा ज्यादा, और अब उसका मैं आगे उपयोग कर ही रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो सर, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, तो एज ए शिक्षक के सफर में कहाँ से शुरुआत की थी आपने? मतलब आपको पहले से बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, या एक शिक्षक बनने के बाद
आपने ये सब चीजें सीखी और फिर आपकी जर्नी है वो इस तरफ मुड़ी, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेसिक ज्ञान तो मैं पहले ही रखता था। मैं बेसिक नॉलेज मैंने कहीं कोई ऐसे डिग्री वगैरह नहीं ली, मैंने फॉर्मल डिग्री कहीं से नहीं ली किसी भी कंप्यूटर के बारे में, लेकिन मैंने करके ज्यादा सीखा। मैं कोई भी चीज होती थी मैं करके, मैं यहाँ हमारे जयपुर में क्या थी, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था लेकिन यहाँ साइबर कैफेज थे, तो मैं वहां चला जाता, वहां 2 घंटे 3 घंटे बैठ के और कर करके अपने आप सीखता रहता। अलग अलग साइट्स खोल के देखना कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, नॉलेज वहाँ, तो वहाँ ऐसी जाके बैठ जाता था बस में, और वहां से मैंने कर करके ही सीखा है। और ये स्कूलिंग में, पहले तो स्कूलिंग में जब मैं गया ही था स्कूल में, तो वहाँ परंपरागत तरीके से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि इसके भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जब वहाँ कोई ऐसा अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने टेक्नोलॉजी को यूज किया। और यूज में कैसे कर पाया कि एक ओपन बुक मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं बच्चे को और वो बुक से देख के लिखे। तो जब मैंने उसको अपनाया तो वहां मुझे समस्याएं आई कि बच्चों के पास बुक नहीं है, कोई बुक लेके नहीं आ रहा है। जब मैंने कहा बुक क्यों नहीं लेके आ रहे हो, तो वो कहते हैं कि बैग का वेट हो ज्यादा हो जाता है, हम रोजाना इतनी सारी बुक कहाँ तक लेके आए। तो फिर मैंने क्या शुरू किया कि मैंने वीडियो दिखाना शुरू कर दिया उनको। मैंने एक टॉपिक लिया पर्टिकुलर, उसका वीडियो लिया और उस वीडियो को दिखा दिया, और फिर उसमें से क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। तो वो उसके रिजल्ट मुझे और भी अच्छे लगे, और जब उसके फाइनल बोर्ड के रिजल्ट आए तो मेरे सभी बच्चों के 60 अबव मार्क्स, बच्चे सभी पास हुए। पहले रिजल्ट तो उस स्कूल में कम रहता था, लेकिन जब इस तकनीक को अपनाया मैंने तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए, सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और पूरी क्लास के बच्चे पास हुए। तो वहां से मुझे लगा कि हमें टेक्नोलॉजी में और आगे सीखना चाहिए मुझे। तो फिर मैं सीखने फिर मैं दे सीखता रहा, कुछ वीडियोस देख के, लोगों से पूछ के, ऐसे करके सीखा। बाकी कोई ऐसे फॉर्मल जो ट्रेनिंग या डिग्री वगैरह होती हैं, वो मैंने समसा में, जब आया समग्र शिक्षा में, उसके बाद ही लेना शुरू किया। उससे पहले तक तो मैंने अलग से कुछ नहीं लिया था, बस करके ही सीखा था सारा। जी सर, तो सर दो चीजें इंटरेस्टिंग हैं हमारे लिए जानने के लिए कि आपने बोला कि साइबर कैफे में जाके और फिर मैंने अपना जो कंप्यूटर सीखने वाला काम था वो वहां से भी स्टार्ट किया और वहां भी जारी रखा, तो ये कौन सी साल की बात होगी, कौन से टाइम की बात होगी लगभग? ये लगभग 96 97 की बात हो, जब शायद हाँ मैं बीएससी में था उस टाइम। बस जाके हम बैठ जाते थे और चलते थे। हाँ उस टाइम साइबर कैफे का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा चला था उस टाइम। बिल्कुल। और दूसरी चीज आपने बताई कि आपने जो अपनी कक्षा है उस पे आपने वीडियो का इस्तेमाल करना शुरू किया और बच्चों को अलग अलग तरीके से किसी भी कंसेप्ट को कैसे समझाया जा सकता है वो आपने बेस्ट से बेस्ट प्रयास किया। लेकिन सर इससे क्या अंतर आपको दिखा कि आप पे की कक्षा में कि जब आप वीडियो इस्तेमाल करते नहीं थे उस दौरान जो पढ़ाई होती थी और फिर आपने एक नया तरीका उस क्लास में लेके आए, तो क्या अंतर आया बच्चों के सीखने में या फिर उस कक्षा के माहौल में, वो अगर आप थोड़ा बता पाएंगे? जब पहले मैं वीडियो इस्तेमाल नहीं करता था, परंपरागत तरीके से बुक से जब पढ़ाते थे, तो वहाँ बच्चे की जो जितना वो सीखना चाहिए था उतना नहीं सीख पाता था। कुछ ऐसे से, मैं तो साइंस का टीचर हूँ, तो साइंस में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ क्रियाविधि भी होती हैं, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो वो हम बुक के द्वारा या बोर्ड पे बना के इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना हम वीडियो दिखा के उनको समझा सकते हैं। वीडियो में पूरा प्रोसेस वहां आ जाता है कि कैसे आप डाइजेशन में फूड ले रहे हो, माउथ में कैसे हो रहा है, फिर स्टोमक में क्या है, इंटेस्टाइन में क्या क्या है, कौन से एंजाइम कैसे हैं वो, और एक जैसे अपनी ईयर की जो क्रियाविधि होती है, कान कैसे काम करते हैं, हियरिंग कैसे होती है, उसकी क्रियाविधि का एक वीडियो मैंने बनाया, तो इतना अच्छा समझ में आता था। सारी हड्डियां अलग अलग उसमें दिखती थी और उनकी एक्टिविटी किस तरह से क्या हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आता, ये अंतर आया उसमें। तो एक शिक्षक के रूप में अगर बात करें तो आपकी किस तरीके की लर्निंग्स निकल के आई उस टाइम से? एक शिक्षक के रूप में मैंने यही सीखा कि हमें कंटिन्यूअस बदलाव करते जाना चाहिए। हम एक ऐसा नहीं कि एक सिस्टम जो चल रहा है उसी को बना के चले, नहीं, हमें अगर हम बदलाव करते रहेंगे तो लर्निंग भी बढ़ेगी और उसके अच्छे आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे।
कक्षा में टेक्नोलॉजी लेके आए थे, तो अगर इस तरफ सोचें कि उसके क्या आपको फायदा दिखे और क्या नुकसान दिखे? पहले तो फायदे की बात करते हैं, क्योंकि हमने तो फायदे के लिए ही प्रारंभ किया और फायदे ज्यादा भी हैं। तो क्या है कि एक तो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रहता है, वहाँ आराम से बैठा है, वो देख रहा है सामने और देख के उसको समझ भी रहा है, ये एक फायदे। दूसरा फायदा यह था कि हम थोड़ा सा उसको डीप नॉलेज भी दे सकते हैं, कुछ कम समय में ज्यादा चीजें भी उसको हम दिखा सकते हैं वहाँ, क्योंकि हमारा लिखने का टाइम बच गया, डायग्राम बनाने का टाइम बच गया, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उस स्टूडेंट को वहाँ दिखा दें। फिर इसके बाद एक फायदा हमें यह भी लगा कि वो एक किसी भी चीज को हमें रिपीट करना है तो हम जल्दी से रिपीट कर सकते हैं, कम मेहनत में उसको रिपीट किया जा सकता है। क्योंकि अगर बच्चे ने कोई चीज दोबारा पूछी और फिर दोबारा पूछी तो टीचर कई बार क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, ये एक ही चीज को बार बार पूछ रहा है, तो वो रिपीट करना बहुत आसान है, अच्छा समझ में नहीं आई चलिए दोबारा दिखा देते हैं आपको, तो ये बहुत आसान हो गया था। अब हम बात करें कमियों की, तो हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी कमियां भी रह जाती हैं, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है वहाँ कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है किसी वीडियो की, या फिर कोई डायग्राम ठीक से नहीं चल पा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में कहीं उसमें कोई तकनीकी समस्या आ रही है, इस तरह की समस्याएं आती थी, बाकी ज्यादा तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आई। तो आपका क्या कहना है कि आपका काम जो है वो टेक्नोलॉजी ने आसान किया या फिर मुश्किल किया? टेक्नोलॉजी से तो मेरे लिए तो काम आसान ही हुआ। आप किसी भी एक टॉपिक का एक वीडियो बना लें, जैसे अगर हम बात करें किसी टॉपिक की, तो उसका आप एक वीडियो तैयार कर लें, ठीक है। अब उसमें देखिए आसानी में बताता हूँ आपको, आप उस वीडियो को हो सकता है वो वीडियो ऐसा हो कि एक साथ आप 3 क्लासों के लिए भी उसको यूज कर सकें, उसका लेवल आप ऐसा रखिए, उसके 2 भाग कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, एक भाग 2 क्लास के लिए काम में लीजिए, अगला अगली क्लास के लिए काम में लीजिए। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको कुछ ज्यादा बाहर इधर उधर के काम भी मिलते रहते हैं, और वो फिर स्कूल से उनको बाहर भी जाना पड़ता है, छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं, तो उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है उसको, उस समय का यूटिलाइजेशन हो गया कि अगर कोई टीचर छुट्टी पर है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ थोड़ा सा ये लगता होगा कि वर्डन बढ़ाया, तो देखो वर्डन में तो हम ऐसा नहीं मान सकते, आप अगर आपको वो चीज आती है तो वर्डन नहीं लगेगा, और अगर आप उसको सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो वर्णन है ही है। आप सीखने की कोशिश कीजिए और आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं आप सीख जाएंगे, इसके भी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या टीचर से करवाना शुरू कर दिया, जो शुरुआत में ये बोले कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर थोड़े दिन बाद ही वो होने लग गया और उसमें वो बहुत अधिक इंटरेस्ट लेने लगे। तो अब आपने सर बता तो दिया ही है, तो हम अभी जान लेते हैं कि वो क्या प्रक्रिया आपने अपनाई कि बाकी जो साथी हैं उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को शिक्षण कार्य में स्थान देना शुरू किया, या उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी उनमें टेक्नोलॉजी ने उनकी भी मदद की और बच्चों की भी मदद की? इसके लिए मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक SRG ग्रुप बना हुआ है, स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स। वो करते क्या है कि पूरे स्टेट में ट्रेनिंग्स देते हैं सब्जेक्ट्स की, तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और जब उस ट्रेनिंग में साथ जाता हूँ तो मैं वहाँ इस तकनीकी पर ज्यादा जोर देता हूँ, वैसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी जाता हूँ तो तकनीकी पर ज्यादा ध्यान रखता हूँ मैं वहाँ, कि अगर केमिस्ट्री को भी हमें पढ़ाना तो वहाँ भी हम तकनीकी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वीडियोज NCERT के द्वारा बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ एनिमेशन भी बने हुए हैं, तो उनको भी हम यूज कर लेते हैं। और मैं जब पहला दिन हमारा होता है, वो लगभग 10 दिन का एक टाइम होता है, 10 दिन हमें एक ट्रेनिंग देके आनी होती है, तो पहले दिन ही मैं उन जो टीचर्स ही होते हैं वो उनको हम लैब में ले जाते हैं, पहले दिन ही लैब में ले जाते हैं कंप्यूटर लैब में, आधा घंटे 1 घंटे के लिए, तो पहले दिन सब इधर उधर बैठते रहते हैं देखते रहते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप पहले दिन सिर्फ पेंट ही खोलिए, आप कंप्यूटर ऑन करना सीख लीजिए और एक पेंट ही खोल लीजिए, पेंट उस पर माउस चलाना तो सीखिए, और माउस चला के जब वो पेंट पे माउस चलाना एक बार सीख जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप वेबसाइट्स खोलने लग जाते हैं, और उन वेबसाइट्स के थ्रू उनको इतनी अच्छी अच्छी चीजें जब हम बता देते हैं उनको कि आप ये साइट खोलिए यहाँ पर अच्छा मिलेगा, और जब वो देखते हैं कि इस टॉपिक को मैं क्लास में पढ़ा रहा था और ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उसको ऐसे पढ़ाता तो ये शायद एक बार में समझ में आ जाता, वहां से उसकी समझ में आता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और मुझे उसको बार बार यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हम यहाँ जब मैं महात्मा गांधी स्कूल में आया
तो COVID-19 का दौर चल रहा है और स्कूल्स बंद थे, तो यहाँ ऑनलाइन क्लासेज के लिए वहाँ के जो टीचर्स थे उनसे उन्होंने पहले कोई मतलब किसी तरह का कोई एफर्ट किया ही नहीं। मैंने जाते ही वहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम से बात करी, एक दो दिन बात करके, और फिर वो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और दूसरे दिन ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी। और सभी टीचर्स थोड़ा सा एजिटेशन तो था ही, कैसे चलेगा ये जूम ऐप के बारे में, ये सेफ है कि नहीं, ये सबसे। मैंने कहा कि आप तो एक बार स्टार्ट तो कीजिए, आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, पहली क्लास मैं ले लूंगा, आप देखिए कैसे लेना है। और जब स्टार्ट एक बार जब स्टार्ट हुआ और अब सभी टीचर वहाँ इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो अपने आप क्लास ले लेते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा। पहले तो फिर भी एक दो दिन उन्होंने पूछा ये चला दीजिए कैसे चलेगा कहाँ से क्या होगा, और फिर अब अपने आप ही वो आके मुझे बताते हैं कि इसमें देखो ये नई चीज ये भी है, हम इसको व्हाइट बोर्ड भी बना सकते हैं, हम इसमें इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जब एक बार स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो सारे उसको बहुत अच्छी तरह से करने लग गए। तो इस तरह से अगर हम एक और शुरुआत कर दें तो फिर अपने आप हम सीखते चले जाते। क्या टेक्नोलॉजी जो है वो शिक्षक का स्थान ले लेगी? कभी नहीं, टेक्नोलॉजी कभी नहीं ले सकती। देखिए टेक्नोलॉजी हो सकता है हम इंडियंस के लिए नहीं हो, लेकिन फॉरेन में और जो डेवलप्ड कंट्री वहां तो पहले से ही ये सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, वहीं जब ऐसा नहीं हो सका तो हमारे यहाँ तो कैसे भी संभव नहीं है। तो इस जब हम अपनी क्लासरूम टीचिंग में टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो किस तरीके से आप देखते हैं? वहाँ देखिए शिक्षक की भूमिका बराबर है पहले जितनी है, आप वीडियो दिखा सकते हैं लेकिन इंस्टेंटली कोई क्वेरी स्टूडेंट के माइंड में आ गई, आप उसका जवाब तो वीडियो नहीं दे पाएगा, वो उसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर वो उसका जवाब ढूंढने अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू गया, जैसे आप गूगल सर्च बार पे गया, तो वहाँ भी उसको वो जवाब नहीं मिल पाएगा जो एक टीचर दे पाएगा। दूसरा, उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना होता है तो वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती, वो तो फिर एक टीचर के लिए टीचर ही कर सकेगा, तो टीचर तो बहुत जरूरी है। तो सर आप जो कक्षा में अभ्यास करा रहे हैं बच्चों को अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो ये जो अभ्यास है ये बाकी लोगों तक पहुंचाने का जो आइडिया है वो आपके दिमाग में किस तरीके से आया, या आपको आपका क्या मोटिवेशन था कि बाकी लोगों तक भी वो बातचीत पहुंचे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो उसके लिए लगाने पड़े होंगे मेरे को जितना समझ में आ रहा है। तो इसको बाकी लोगों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया तो था ही हमारे पास, सोशल मीडिया का हमने भरपूर यूज किया, और उसके बाद मैं समग्र शिक्षा से जुड़ा हुआ था तो वहाँ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होती रहती थी, तो वहाँ भी मैं जाता रहता था वहाँ, और हमारे सेशंस होते थे कभी एक घंटे के कभी दो घंटे के, तो वहाँ भी कई सेशंस में सैकड़ों टीचर भी होते थे। एक बार तो 200 टीचर्स के साथ भी हमने एक साथ कम्युनिकेशन किया, और वहाँ मैं एक ही बात करता था कि आप एक बार शुरू तो कीजिए। वो टीचर्स ये कहते थे कि हमारे बिजली नहीं है या हमारे लैब के लिए कमरा नहीं है, तो आप कहीं भी रख के एक बार शुरुआत तो कीजिए। अच्छा, आधा घंटे के लिए बिजली आती है तो आधा घंटे के लिए ही शुरुआत तो कीजिए, और उन्होंने शुरू किया। बहुत से टीचर्स के मेरे पास फोन आया, उन्होंने शुरू किया और बहुत अच्छा उनको लगा और बच्चे भी बहुत खुश हुए, तो ऐसे ये आगे बढ़ रहा है। सर किस तरीके की चुनौती एक शिक्षक को कक्षा में सामना करनी पड़ती है जब बच्चों को वो कंप्यूटर कक्षा में लेके जाता है, और उस तरीके की चुनौती तो आपने भी सामना की ही होगी, और उनको कैसे आपने कम किया? सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आधारभूत संरचना की है। कई स्कूल है अब तो लगभग सभी में हो ही गया, बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी तो लगभग लगभग सभी में लगभग हो ही गया है, लैब्स नहीं है, कहीं रूम्स नहीं है, तो मेरे सामने कोई समस्या, मैं जहाँ जहाँ भी गया वहाँ लैब तो थी और बिजली भी कंटिन्यूस थी, तो ये समस्या तो नहीं आई। समस्या आई थी उसको संचालित करने के लिए कि आज कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं या कहीं कोई वायर टूट गया, तो धीरे धीरे एक दो बार हमने टेक्नीशियन भी बुलाया, लेकिन फिर भी वो भी मैं देख के सीखा फिर कि ये आते हैं और 10 मिनट में आधा घंटे में ठीक करके चले जाते हैं, तो वो भी मैंने सीखा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो हमारे जो मेरी जो लैब थी वो एन कंप्यूटिंग के थ्रू चलती थी, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि वो वायरों पे कार्बन जमा हो जाता तो उसको हटा के लगाना उससे चल जाता था, तो थोड़ी सी जानकारी तो हम ये ले लें कि किस तरह से कौन सा वायर कहाँ लगाना है,
दूसरी फिर स्टूडेंट्स की संख्या का भी समस्या रहती है, तो उसके भी हमने बैच बना लिए कि भाई हमारे पास कंप्यूटर्स कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, तो हमने अलग अलग बैचेज में बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम बैचेज बना के भी समस्या को हमने दूर किया। तीसरी बात, समस्या हमारे साथ आ रही थी कि वहाँ जो टाइम टेबल था वो टाइम टेबल सेट नहीं करते थे, तो फिर हमने उसके लिए भी अल्टरनेट निकाला कि रोजाना पर डे हम सिर्फ एक ही पीरियड रख लेंगे और उसमें एक साथ दो क्लासों को ही बुला लेंगे, आधी आधी करके दो क्लास बुला लेंगे। तो इस तरह से हमने समस्याओं को दूर भी किया और कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स भी आई तो हमने कुछ भामाशाहों और समाज के जो लोग होते हैं उनसे मदद लेके भी दूर किया। सर, हम ये जानने के इच्छुक हैं कि आपने शुरुआती टाइम में कक्षा में कहाँ से टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था और अब कहाँ तक पहुँचे हैं, कि पहला प्रयास से लेके अब तक के क्या क्या आपके कार्य रहे हैं। शुरुआत में तो हम किसी और के वीडियो दिखाते थे, कहीं से वीडियो लिया, यूट्यूब से लिया या कोई और कोई प्लेटफॉर्म से लिया, लेकिन अब हम खुद वीडियो बनाते हैं। उनमें बहुत सारी समस्याएं आती थी, कई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कोई डायग्राम उसमें अलग तरह का है, कोई बुक से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन अब हम खुद ही वीडियो तैयार करते हैं। तो वो उस वीडियो में मौलिकता भी रहती है और वो लेवल भी हमारे स्टूडेंट्स के बराबर बना रहता है। इसी क्रम में हमने दीक्षा के लिए भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ई ज्ञान पोर्टल है जो स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर भी हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, 9th-10th साइंस में और दीक्षा पर 10th साइंस में बहुत सारे वीडियो हमारे डले हुए। तो वो पहले किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे थे, अब हम खुद अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर, जब आप वीडियो बनाते हैं तो उन चीज़ों को कैसे शामिल करते हैं कि कक्षा में तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्तर के बच्चे हों, कक्षा में तो दो तीन स्तर के बच्चे हो सकते हैं, चार स्तर के बच्चे हो सकते हैं, तो वो वीडियो जो आप बना रहे हैं या जो दिखा रहे हैं दूसरों का बनाया हुआ भी, तो वो वीडियो कैसे पूरी कक्षा को फायदा दे रहा होगा या कैसे पूरी कक्षा की मदद कर रहा है? हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्लास में सभी बच्चे नहीं होते, कुछ लोअर भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं उस वीडियो को पहले से ही देख चुके होते हैं, तो उनके लिए हमें वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे किसी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है वीडियो में वो दो बार रोकना भी पड़ जाए और उसको वो चीज़ समझानी पड़ जाए, और जो पहले से ही देख चुका उसको हो सकता है उस स्टूडेंट को हमें रोकना पड़ जाए कि आप रुकिए, थोड़ा आगे ना मत बोलिए, औरों को भी समझ में आने दीजिए। तो इस तरह से वो मैनेजमेंट तो करना होता है। यहाँ इस एक बात आप यहाँ अब आपने बीच में कहा था कि क्या टेक्नोलॉजी टीचर का स्थान ले लेगी, वो आप यहाँ भी समझ में आ रहा होगा कि ये संभव नहीं। तो सर, आपका काफी लंबा सफर रहा है, तो क्या क्या उपलब्धियां आपको लगता है कि आपकी रही हैं इस सफर में? उपलब्धियां टीचिंग में आने के बाद, पहले तो तकनीकी पर बात करते रहे, उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ मैं भी स्कूलों में गया, रिजल्ट्स पहले की जो स्थिति थी वो कम थी, लेकिन मैंने नई नई चीज़ें करके नई नए तरीके से उनको करके और रिजल्ट को भी बढ़ाया। उसके बाद फिर तकनीकी काम की तरफ जब आए तो इस तकनीकी के बल पर ही एक स्टेट अवार्ड भी हमने लिया, हमारे जो पहले के शिक्षक थे श्रीमान गंगवाल साहब उनके हाथों, और उसके बाद छोटे छोटे कई और भी हमने अवार्ड लिए। इसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं अभी ये मान रहा हूँ कि हम इस कोविड के दौर में ऑनलाइन क्लासेस चला पा रहे हैं और सक्सेस हैं, जैसे हमारी क्लास में 28 स्टूडेंट तक प्रेजेंट हो जाते हैं आउट ऑफ 30, तो मैं तो मानता हूँ कि ये हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में और इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस में तो सफलता है, तो वो सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि हमारे 30 में से 28 बच्चे प्रेजेंट हैं और वो सीख रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, पर हम ऑनलाइन टेस्ट भी जब उनका लेते हैं तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक यहाँ पहुँच पाया। बिल्कुल सर, इससे बड़ी बात तो शायद क्या ही हो सकती है कि 30 में से 28 बच्चे और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं और लगातार उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आपने इस तरीके से प्लान किया, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है, मतलब कि
इस तरीके से आपने पूरा मॉडल बनाया है कि भाई बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे तो क्या हुआ, उनकी जो स्टडी है वो तो लगातार चल सकती है। तो बिल्कुल ये अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद मुमकिन नहीं था। लेकिन सर आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि आपने टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, तो क्या कारण है कि आपको कहाँ से आता है वो मोटिवेशन, क्या प्रेरणा रही है आपकी कि आप इस तरफ एकदम से लगे हुए हैं? वो प्रेरणा यही है कि परंपरागत तरीके से चलता आ रहा था, और अगर आप कुछ अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर जहाँ है वही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बदलाव प्रकृति का भी नियम है, आप बदलाव लाना जरूरी है, और इस बदलाव के कारण ही मैं तो ये मानता हूँ कि अधिगम भी बढ़ता है, स्टूडेंट सीखता भी है और वो स्थायी भी रह पाता है, और फिर स्थायी और उसको एक माध्यम पता लग गया। अगर कोई नई चीज भी वो जानना चाहे तो फिर वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां जाके कोई नई चीज भी सीख सकता है, लेकिन उसको एक शुरुआत तो बतानी पड़ेगी, एक रास्ता तो बताना पड़ेगा। तो ये सब तकनीकी माध्यम से संभव है। बच्चे तो सीखते ही सीखते हैं, और एक अध्यापक के लिए भी उसकी जर्नी काफी रोचक हो जाती है, उसका भी एक्साइटमेंट हर दिन के लिए अलग बन जाता है कि आज मैं क्या नया करने जा रहा हूँ या क्या नया सीख रहा हूँ। तो ये तो चलता रहता है, और इसमें मुझे लगता है कि हमें लीन होना ही पड़ेगा, और काफी मजा आता है जब नई नई चीजें करते हैं। तो सर अगर आप अपने साथियों को अगर नॉमिनेट करना चाहें, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और हमसे ज्यादा स्टोरी तो आप जानते हैं लोगों की, तो किन्हीं दो साथियों को अगर नॉमिनेट करना चाहें कि वो भी डिजिटल टीचर कहानी की प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी कहानी साझा करें ताकि बाकी लोगों तक उनकी कहानियां पहुंच पाए, जिससे कि हम जो कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे से हो पाए। एक तो मैं बताना चाहूंगा आपको, सर प्रताप सिंह, उन्होंने अच्छे वीडियो बनाए, वो जो डायग्राम बनाने का कंसेप्ट था वो उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरह से यूज किया, इस तरह से हम डायग्राम बनाए, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। दूसरे एक गंगाराम मल्ली हैं दौसा के, वो अभावों में उन्होंने काम किया, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी फिर भी उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे वीडियो उन्होंने तैयार करे और वो हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे यूज आ रहे। तो सर प्लेटफॉर्म तो काफी बड़ा बन रहा है ये, और हमारे खूब सारे साथी आपको सुन रहे हैं इस दौरान, तो आप शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे अपने सफर से? आप मैं तो एक छोटी सी एक अंग्रेजी की एक लाइन बोलूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप शुरुआत तो कीजिए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी, और हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं वो थोड़े से पिछड़े ही होते हैं, हर तरह से ही पिछड़े होते हैं, तो उनको यहाँ से हम एक बार शुरुआत करा दें तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो हमें एक माध्यम मिला है शुरुआत करवाने का, वो अवश्य करा। जी सर, आपकी बात जरूर हमारे शिक्षक साथियों तक पहुंचेगी, और हम आशा कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक साथी सुन रहे हैं वो जरूर कुछ ऐसा नया शुरू करेंगे अपने कक्षा कक्ष में जो कई दिनों से सोच रहे हैं या कई सालों से सोच रहे हैं, तो उस सोच को वो एक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो अभी हमने अजय कुमार जी से जाना कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा का बेहतर बनाने में किस तरीके से किया। आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी कहानियां सुनने के लिए टेक्नोशाला फाउंडेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी अपनी कक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन के साथ जुड़े और बने डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा। मिलते हैं अगले शनिवार 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक नमस्ते।